मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी कहाँ है मेरी? चली गई, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें ले जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानती हैं। तुम कितने जालिम इंसान हो मीरान, तुम लोगों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं उनसे एक दफा मिल लेती, मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने लेकर जाना होता तो मेरे सपोर्ट ना करते, मुझे अमानत देकर ना जाते। बाबा ने मुझे तुम्हें अमानत नहीं दिया, अल्लाह के सपोर्ट किया है और मुझे वसीला बनाया है। कोई नहीं आ सका तो आजाद भाई आएंगे मुझे लेने। वो भी नहीं आएगा, तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम मेरे कुछ नहीं हो, तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हो मीरान। मेरी जिंदगी का सबसे जालिम इंसान अगर कोई है तो वो तुम हो मीरान। जरा भर रहम नहीं है तुम में। अगर कोई पहाड़ होता तो शायद वो भी गिर जाता। मुझे अजियत दी, मेरी मां को अजियत दी, ठीक नहीं किया। तुम जो मर्जी कहो वो मुझे यहां से ले जाएंगे। मेरे घर वाले मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आजाद भाई आएंगे मुझे लेने के लिए। जिसकी तुम बात कर रही हो वो शख्स तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा था, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें उसके हवाले करके मौत के मुंह में दे दिया था। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, बाबा जानते थे ये बात। तो इसीलिए वो पिस्तौल लेकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था, मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। सिर्फ इसलिए कि मैं गाड़ी में हूं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि वो मुझसे, क्योंकि वो तुमसे क्या? वो तुमसे क्या? हाँ बताओ मुझे। दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से मीरान, कर दो बंद दरवाजा। ज़रा ये क्या हुआ है तुम्हें? कहां से वापस आ रही हो? खिज़र, मैंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया। मैं उन लोगों से अपनी बेटी वापस नहीं ले सकी। ज़रा तुम ये क्या कह रही हो? कहां पर छोड़ा है उसे? अजलान में, हवेली में। मीरान ने रेहान को वहां रखा हुआ है।
मैं छोड़ो। मत जाओ। अगर आपने उससे अपनी बेटी ले भी ली तो उसे कहां पर रखेंगे आप? उसको कैसे बचाएंगे अपने बाप के जुल्म से? खजर साहब, मैंने बहुत सोचा। उस हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कि मैं अगर उसे वहां से ले भी आई और भाग भी गई, शायद मैं उसको आपके बाप के शर से बचा तो लूं, लेकिन फिर वहां पर गुल रह जाएगी। एक मां के लिए ये कैसा इम्तिहान है? मैं अपनी बेटी नहीं ला सकी। मैं अपनी बेटी को उन्हीं लोगों के पास छोड़कर वापस आ गई हूं। क्या किया जरा? मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके सुपुर्द किया था, इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा बनाकर रखे। आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा और आपने मुझे बताया तक नहीं? जहरा, तुम गुल की वजह से परेशान थी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। गुस्सा ना हो, तुमसे वादा किया है मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा उसे, लेकर आऊंगा। आप नहीं जाएंगे। रेयान कम से कम उस हवेली में जिंदा तो है ही ना? जिंदा है। पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें अपनी बेटी को कहां लेकर जाना है, फिर हम अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। यारिन, तुम्हें कहां से पता चला मीरान की शादी के बारे में? झूठ मत बोलना, सच सच बताना मुझे। मुझे जहां से पता करना था कर लिया। आप बस ये देखें कि मैंने पता कर लिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बार बार गलती करती गई और मैं हर गलती पर पर्दा डालती गई। सच तो ये है कि तुमने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सच तो यह है कि इस खानदान का नाम खराब करने वाली रियान नहीं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई कातिल बनने जा रहा है। कितनी बेहस हो तुम। अम्मी, मुझे भाई की तरह हरगिज मत समझिएगा। मैं वो सब लेकर रहूंगी जो मैं चाहूंगी। ना मेरे लिए शादोलू का नाम इंपॉर्टेंट है, ना मीरान की दूसरी शादी, और ना ही रियान का वहां पर कैदी बनना। मैं मीरान से शादी करके रहूंगी, आप ये मत भूलिएगा। यारन, गौर से सुनो, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊं। ये आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें, कान खोल के सुनो, जो कहा वही करोगी, तुम्हारी भलाई इसी में है। Thank you.